नमस्कार, राम राम सभी भाइयों को। सभी भाइयों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जसवंत स्वामी डेयरी फार्म पर। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको एक तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा, एक तो ये दूसरे ब्यांत की झोटी चार दांत मुंह से है, दूध इस दूध क्षमता है जो इसकी 17-18 लीटर की है, ताजी भी है एक दो दिन की, और ये सेल के लिए अवेलेबल है श्री गंगानगर राजस्थान में। अगर कोई भाई इसे खरीदना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकता है जसवंत स्वामी से। अच्छी नस्ल की भैंस है जो आपको किसान के घर से उपलब्ध करवा देंगे। देख सकते हो बहुत ही शानदार झोटी है, दूसरे ब्यांत की मुंह से चार दांत। अगर कोई भाई खरीदना चाहता है तो स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क कर सकता है। नमस्कार, राम राम सभी भाइयों को। सभी भाइयों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जसवंत स्वामी डेयरी फार्म, जिला श्री गंगानगर है और स्टेट राजस्थान में। आज की वीडियो में 20-22 भैंस है, जिसमें से चार भैंस तो यूपी में जा रही है मेरठ में, और 18-19 भैंस जा रही है महाराष्ट्र में कोल्हापुर। वो भाई साहब आए हुए हैं कोल्हापुर से भैंस खरीदने के लिए, उनसे आपकी बात करवाते हैं और अंत में आपको सारी भैंस भी दिखाएंगे। आ जाओ भाई साहब, इधर आओ, आ जाओ कोल्हापुर। हाँ, आप आओ महाराष्ट्र जी, इधर आओ। ये भाई साहब आए हैं जी, 10 जने हैं, बाकी 12 हैं। और आप कहाँ से आए हो जी? ओ, महाराष्ट्र कोल्हापुर। अच्छा जी, ये भैंस आपको किसने दिलवाई है जी? ओ, तुमने, तुम्हारा नाम? हमने दिलवाई जसवंत स्वामी। जसवंत कैसी ने? तो आपको हमारा काम कैसा लगा? ओ, अच्छा लगा। तो कोई भाई जैसे महाराष्ट्र से आएगा तो आप उसको क्या कहोगे? ओ, मैं महाराष्ट्र जो आदमी आएंगे उसी को कहेंगे कि जसवंत सिंह के पास ही जाओ। और आप थोड़ी अपनी भाषा में बोल के बताओ। मी महाराष्ट्र तुन आलेलो आहे, महाराष्ट्र तुन आल्यानंतर इथे राजस्थान मध्ये आम्हाला जसवंत सिंह ने पुरे म्हणजे आमची पूर्ण बर्दाश्त वगैरे ठेवून चांगल्या चांगल्या मशी आम्हाला दिलेल्या आहेत, आणि त्यांच्याकडे सगळ्या चांगल्या सोयीसुविधा, राहण्याची वगैरे सोय आहे, जेवणा खाण्याची सोय आहे, त्यांच्याकडे ट्रॅव्हलिंग्स वगैरे सगळी आहेत, लोक आहेत, पोच करण्याची व्यवस्था सगळी आहे, आणि ते चांगल्या चांगल्या मशी दाखवतात। सगळ्या भागातून फिरून मशी आपल्याला चांगल्या चांगल्या दाखवून महाराष्ट्रापर्यंत पोच करायची जबाबदारी त्यांची असते। ओके सर, आपको काम कैसा लगा हमारा? इनका जसवंत सिंह का काम अच्छा तो लगा मेरे को। अच्छा, आपने 19 भैंस ली है? हाँ, 19 लिए। कितने जने आए हो आप? ओ, 10 जने। 10 जने आए हो? ये 10 जने आए जी महाराष्ट्र कोल्हापुर से। ठीक है जी, आओ मेरठ वाले, आओ जी मेरठ वाले। ये आए जी मेरठ से। आओ जी, राम राम। राम राम भाई, राम राम। कौन सा काम है अपना मेरठ में? शिवाय। अच्छा, तो आपको कितनी भैंस खरीदी आपने? चार भैंस। और कैसी भैंस है आपकी? बहुत जोरदार। किसने दिलाई आपको? जसवंत ने। अच्छा, काम कैसा लगा भाई का? बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। अच्छा, तो ये चार भैंस लिए क्या आपने? आपको कितने साल हो गए मेरे पास आते हुए? 15 साल हो गए जी। अच्छा, तो आपको 15 साल से हमारा काम बढ़िया लगा? बड़ा अच्छा है। अच्छा, ठीक है जी। तो ये भैंस खरीदी क्या आपने? ये खरीदी भाई। देखो जी, ये दूसरे ब्यांत की झुटिया है, 95,000 रुपए की खरीदी है जी, 15-16 किलो दूध तैयार है, ताजी भी आई है, ताजी भी आई है। एक ये भैंस कोल्हापुर जाएगी। ताजी भी आई है, ये देख सकते हो आप। ये भैंस इन्होंने 70,000 रुपए की खरीदी है, 75 की, बहुत बढ़िया भैंस है। एक ये भैंस खरीदी है, देखो ये भैंसों का दूध निकला हुआ है, शाम का टाइम है, ताजी भाई भैंसे हैं, मेरठ जाएगी। जो भाई अच्छी नस्ल की भैंस खरीदना चाहता है जसवंत स्वामी से संपर्क कर सकता है। ये भैंस बिक कर जा रही है जी, कुछ भैंसे आने वाली हैं। ये देख सकते हो भाई साहब, कोल्हापुर जो गाड़ी जा रही है पूरी सुविधा है, दो गाड़ी कोल्हापुर जा रही है, मेरठ भी जाएगी, ये देख सकते हो आप। ये मिट्टी मुट्टी डाली हुई है, बढ़िया सारी सुविधा कर दी गई है। जो भाई किसान के घर से भैंस खरीदना चाहता है वो जसवंत स्वामी से संपर्क कर सकता है।